जिला पदरी जड़े पदाधिकारी से उन्होंने बैठक सी और दूसरा जड़े अपने हिंदू नेता से योगेश बातिस जी वो साढ़े नाल भी लंबे समय तो इतने पिछड़ते रहे है संगठन च रहे है शिवसेना हिंदुस्तान च तो उन्होंने जी अंतिम अरदास मैं शामिल होने भी विशेष रूप से पटियाले तो उत्थे आया सीगा। असी उन्होंने मौत पर गहरा सदमा महसूस करते हैं और उत्थे मैं श्रद्धांजलि भी दे के आया। उस तो बाद अज असी इत्थे सर्किट हाउस च अपनी पार्टी की बैठक की है जिदे च जिले के जिहड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी सीगे उन्होंने असी बुला के उन्होंने विचार सुने सुझाव ले और असी तय किया कि अज तो 10 दिन के अंदर अंदर साड़ी जिहड़ी बठिंडा की जिला इकाई है वह असी पुनर्गठन कर जा रहे हैं जिदे च 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। उहदे लई असी अपनी 2 मैंबरी कमेटी इत्थे गठित की है जिदे च साडे बहुत पुराने नेता श्री सुशील जिंदल जी जिहड़े संगठन मंत्री पंजाब ने बठिंडा के इंचार्ज भी ने ते साडे देवी सरण जी काका जी जिहड़े संगठन के पंजाब के उप प्रधान ने इन्हां दे आधार ते 2 मैंबरी कमेटी बनी है जिन्हां दी ये जिम्मेवारी होएगी कि जिला इकाई जिहड़ी बठिंडा है वो 10 मैंबरी एक टीम पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मैं खुद उस 10 दिन तो बाद बठिंडा आऊँगा और असी उन्हां पदाधिकारियों की घोषणा करांगे। आज दी बैठक दे विच ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दूसरा मैं कहना चाहना कि जिहड़ा दिल्ली दे विच जहांगीरपुरी दे विच और खास करके राजस्थान के करौली दे विच मध्य प्रदेश के खरगोन दे विच रामनौमी जी की शोभा यात्रा ते और श्री हनुमान जी के जन्म महाउत्सव के शुभ अवसर पर जिहड़ी शोभा यात्रा निकली उन्होंने मस्जिद के सामने पहुँचने पर जिहड़े कट्टरपंथी मुसलमानों ने हमला किया उहदी असी सख्त शब्दों से निंदा करते हैं और असी महसूस करते हैं कि जो हिंदुस्तान के हिंदू बहुसंख्यक होकर जो ताजिए का जलूस निकलता है मुहर्रम का जलूस निकलता है या मुसलमान भाईचारे नाल संबंधित कोई भी धार्मिक यात्रा निकलती है तो हिंदुओं को कोई भी तकलीफ नहीं होती। हिंदू कोई भी पथरावबाजी नहीं करते कोई वो उत्ते असी छेड़छानी नहीं करते किसी प्रकार का वह कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होंगी। तो क्यों इस देश के अंदर बहुसंख्यक होने के बावजूद भी हिंदू जड़े है अपने जड़े धर्म इष्ट हैं जिहड़े साडे भगवान है उन्हां दी असी शोभा यात्रा नहीं कढ़ सकते। तो शिवसेना हिंदुस्तान ने चेतावनी देना चाहते हैं उन्हां कट्टरपंथी मुसलमानों नूं ओबीसी नूं कि अगर इस तरह के जिहड़े वर्तीरे दे विच सुधार नहीं होया तो फिर शिवसेना हिंदुस्तान नूं सख्त तरीके दे नाल पेश आना पेगा। और असी मोदी साहब नूं भी अपील करते हैं कि इन्हां मामलों दे विच उत्तर प्रदेश के मानयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिहड़ा तरीका है बुलडोजर का तरीका उस तरीके को अपनाया जाना चाहिए है क्योंकि एक तो इलीगल तुम जमीनों के उत्ते कब्जे कर लो इलीगल तौर पर बांग्लादेशी मुसलमान इस हिंदुस्तान च आ जाए और जो शोभा यात्रावान जड़िया निकलन वह उत्ते बांग्लादेशी मुसलमान आके हमला करन ये हिंदुस्तान च कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिवसेना हिंदुस्तान की एक टीम मेरी अगवाई दे जल्दी असी दिल्ली की जहांगीरपुरी की यात्रा करांगे उत्थे जावांगे और जिहड़े हिंदू भाईचारे का नुकसान होया उन्हां नूं मिलांगे। देश के गृह मंत्री नूं भी मिलके असी ये मंग करांगे कि जिहड़ा उत्तर प्रदेश का तरीका है जिहड़ा शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तरीका उहदी असी पड़ोरता करते हैं उहदा स्वागत करते हैं। इस तरीके दे नाल ही ये जिहड़े देश विरोधी ताकत है अंसर है इन्हां ते नकेल कसी जानी चाहिए है। प्रधान जी जिवें तुसीं बयानबाजी करते हो हिंदू धर्म वास्ते करते हो कुछ मुस्लिम लीडर होंगे ने वह भी आपके धर्म वास्ते करते हो या होर अडर धर्मों के लोग अडर बयानबाजी करते हैं सुनने का भी जे ये कहा जाए कि ये जो लीडर ने लोगों आपस में पाड़ते हैं तो ये अंदरों ही पहला बड़ा खतरा लीडर ही ने नहीं हिंदू लीडर ने कद कहा कि मुहर्रम का जलूस आए तो उत्ते पत्थर मार दो। हिंदू लीडर ने किहड़ी छत दे उत्ते पत्थर जमा कर ले तेजाब जमा कर ले जे असी ये कह रहे हैं कि मुहर्रम का जलूस शांति नाल निकल सकता है ईद मिलन का जलूस शांति नाल निकल सकता है तो रामनौमी की शोभा यात्रा शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती हनुमान जन्म उत्सव की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। मेरे कहने जिवें जो अल्फाज होंगे ने चेतावनी देंगे असं इंज कर देंगे वह कर देंगे मतलब इस तरह की भाषा जी है मैं ये नहीं कहना कि तुम बोल रहे हो बथेरे लीडर बोलते हैं ओवैसी चेतावनी देखो ओवैसी की कह रहा है ओवैसी ये कह रहा है कि तुम बुलडोजर केवल अब्दुल और अरशद के घर के उत्ते चला रहे हो ठीक है राकेश से और दूसरे तो नहीं चल रहा
ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਫਰਸਣਗੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਰਸਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਟੋਜ਼ਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300 ਸਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਤੰਬੂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਜੈਸਾ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਹਾਰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ, BJP ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 35,000 ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਘਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੇਖ ਧਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 80-90% ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
गर्म खाली आ हिंदू संगठनों च भी है तो सिख संगठनों च भी है देखो गर्म ख्याली होना कोई गलत नहीं है जो देश की मूवमेंट चल रही थी उदो भी नरम और गर्म ख्याली सके लेकिन गर्म ख्याली अपनी गल जी कह रहे अपनी जी भाषा है वह क्या संविधान के दायरे च है वो अपने धर्म की मर्यादा से गल कर रहे तो बिल्कुल ठीक है असी कोई नहीं कहा कि मुसलमानों जिंदा जला दिता जाएगा असी कित भी नहीं कहा कि मस्जिद को तोड़ दिता जाएगा असी यह गल कही कि जो अल्पसंख्यक वर्ग देश के अंदर अपने धर्म की यात्रा शांति कर सकते हैं बहुसंख्यक हिंदू वर्ग उन्होंने हमला नहीं करता तो ऐसा किहड़ा कारण है कि जिथे उन्हों की आबादी ज़्यादा है उन्होंने मस्जिद के अगे जो रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है जाती है तो वह भड़क जाते क्यों जदों हिंदू नहीं भड़क रहे ताजिया के जलूस च मुहर्रम के जलूस च उन्होंने ईद च बकरीद च तो तुसी क्यों भड़क जा रहे हो तुहाडे ते की हो गया वैसे भी साडा देश टू नेशन थ्यूरी के उत्ते बनया होया जो असी 15 अगस्त 1947 आजाद होए तो इस थ्यूरी ते देश बनया कि इत्थे जिहड़ा है मुसलमान पाकिस्तान च जाणगे बाकी हिंदू सिख जिहड़ा उरे रह जाणगे फिर भी जे मुसलमान उरे रह गए तो यह कहा गया भी साडे देश जिहड़ा है धर्म पंथ निरपेक्ष है और संविधान के अनुसार चलेगा तो उरे अधिकार है तुहानू राष्ट्रपति बन जाओ तो तुहानू अधिकार है कि देश के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाओ तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि जिथे थोड़ी आबादी ज़्यादा होगी उत्थे जी रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं जाएगी जिथे थोड़ी आबादी ज़्यादा होगी उत्थे हनुमान जयंती हनुमान जन्म उत्सव नहीं मनाया इहदा मतलब है कि तुसी पूरे हिंदुस्तान नू कश्मीर घाटी बना देना चाहते हो इहदा मतलब है कि तुहाडी सोच है कि तुसी हिंदुस्तान नू पाकिस्तान बना देना चाहते हो असी यह नहीं कह रहे कि मुस्लिम धर्म माड़ा इन्हां नू खत्म कर दो पर असी कह रहे हैं कि यह जिहड़ा तरीका है हिंदुस्तान च नहीं चलेगा दूसरे धर्म के लोगों के विच भी इस तरह की सोच आ सकती है उदों एक स्थिति बड़ी नाजुक बन जाएगी उस चीज़ की साडी चेतावनी है बाज आ जाओ इन्हां अर्थ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਓ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ DIG ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦਿਓ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ आम जनता का मतलब हुंदा है जो तुसी इस तरह की दलील दोगे कि यह व्यक्ति संत है तो साढ़े जी टीनएजर है वह कहेंगे ये संत होंगे है जे आप बंब चलाइए जे आप हैड ग्रनेड चलाइए जे आप DIG नू गोली मार दिए गुरुद्वारे की पौड़ियों के अंदर जिस गुरु घर के अंदर मानवता का भाईचारा का संदेश दिता जा रहा है जिथे चारों ही वर्णा नू जान की इजाजत है उत्थे तुसी गोली बारूद इकट्ठा कर रहे हो उत्थे तुसी मोर्चाबंदी कर रहे हो जदों कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्नियां लड़ाइयां लड़ियां इन्ना उन्होंने अपने पिता जी का बलिदान दिता अज देश के दे प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी दे उत्थे जांदे आ नतमस्तक हुंदे आ जिथे उन्हां दी हत्या करन दे ओह दिता गया तो ऐसी हालत दे विच जिहड़े कोई गलत आपां प्रचार करांगे उहदा विरोध करना साडा संविधानिक अधिकार है नहीं दुनिया तो देश मैं कह रहा तुसी कह रहे दुनिया तो चले गए जदों कोई उहदी इंटरप्रिटेशन गलत करेगा उहदे बारे गलत विचार देगा तो जिवें तुहानूं विचार देने की आजादी है सानू भी आजादी है कि यह गलत है ये ठीक नहीं है तुसी अपने तुसी संत क्या मैं तुहानूं थोड़ी रोक सकदा तुहाडे मूँह ते हत्थ नहीं रखना पर मैं कहना भी संत नहीं है तुसी कहना संत है तो ये अपने विचारां दा जिहड़ा अंतर है वह चल रहा है इत्थे तक ठीक है पर जे कोई तुहाडे वर्गा बंदा कृपान लगा जे पवन गुप्ता जी जे तुसी पिंडराल नूं संत ना कहा तो असी मार देंगे भी तालिबानी राज थोड़ी है तुसी कह रहे हो असी सुन रहे हैं असी कह रहे हैं तुसी सुन रहे हो ये विचारां दी विभिन्नता है तो आपां दोनों एक दूजे दे नाल हैगे ठीक है ना तुहाडे विचार संत कह रहे मेरे विचार कातिल कह रहे अलग अलग विचार है तो वह विचारां दी लड़ाई हो रही है तुसी भी कह सकते हो मैं भी कह सकदा पर जिस दिन तुसी कृपान चक लोगे तो मैनू कोई अपील करे भी ना चको ये हो नहीं सकता प्रधान जी तुसी पिंडराले नू कातल कह रहे हो पर मतलब जिहड़ी जानकारियां ते कह रही हैं कि उन्हां ते कोई FIR भी दर्ज नहीं किने कहा FIR नहीं हुई
मैं चैलेंज करना किने कहा लाला जगत नारायण जी दे मर्डर दी FIR दर्ज है उहदे च गिरफ्तारी होई चंदू कला तो ये किथे गई गिरफ्तारी ये FIR किथे गई खा गए आपां इहनूं नहीं क्यों नहीं लभी बई एफ सामने लभना तो तुहाडा काम है लभ लो मैं तुहानूं दस रहा लाला जगत नारायण मर्डर केस च गिरफ्तारी होई है उहनां दी फायरिंग हुई गिरफ्तारी के टाइम मेहता चौक के अंदर यह तो जग इतिहास दल है ये लोग दलील लेंगे कोई FIR नहीं कोई टैररिस्ट नहीं तो फिर इंडियन मिलटरी के मुकदमा चलाओ इंडियन मिलटरी क्यों मारन चली गई जो टैररिस्ट ही नहीं देश के शासकों ने क्यों फैसला कर लिया भी देश की इस्टैबलिशमेंट मूर्ख सी जिन्होंने एक्शन का प्लान करता मैं तो FIR दसती कि लाला जगत नारायण मर्डर को देखो जी मैं कोई वकील नहीं है जी मेरी वैबसाइट पर FIR है मैं तुम्हें एक कोट किया कि लाला जगत नारायण मर्डर केस से उन्होंने गिरफ्तारी हुई है जेड़े भी कोई पत्रकार भाई है उन्होंने पता गिरफ्तारी हुई है उन्होंने पता चौक मेहता से गिरफ्तारी के बाद उत्थे लाठीचार्ज भी हो गोली भी चली और यह भी पता है कि जो उन्होंने गिरफ्तारी हुई उस तो पहला उन्होंने कहा कि मैं बाहर आके गिरफ्तारी दूँ ये तो जग इतिहास दल FIR हुई है क्यों नहीं हुई FIR